नए नियमों से आपको सालाना टैक्स छूट का कितना फायदा मिलेगा, बेहद सरल भाषा में ये हम आपको समझाएंगे। किस बजट की कौन सी प्रॉपर्टी खरीदने पर आपको इंटरेस्ट पर टैक्स छूट मिलेगी और कौन सा घर खरीदने पर आपको सर्विस टैक्स नहीं देना पड़ेगा, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मंदी से जूझ रहे रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार के लिए बिल्डर्स और बायर्स को बजट से बड़ी उम्मीदें थी। इस बार के बजट में हाउसिंग फॉर ऑल के लिए बजट पे अच्छी पहल देखने को मिली। मेट्रो सिटीज में 30 स्क्वायर मीटर और नॉन मेट्रो में 60 स्क्वायर मीटर तक के घर जून 2016 से सर्विस टैक्स मुक्त किए जाने की बात कही गई है और इनसे होने वाले मुनाफे को भी पूरी तरह से छूट मिलेगी। लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट 3 साल के अंदर तैयार हो जाने चाहिए, इससे छोटे डेवलपर और छोटे घरों की डिमांड और सप्लाई में जो भारी कमी है वो पूरी होगी, साथ ही छोटे यूनिट साइज के प्रोजेक्ट को अच्छा पुश मिलेगा। आइए अब आपको बताते हैं कि इस नए बजट से आपको कितना मुनाफा होगा। 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल करने का कमिटमेंट किया हुआ है गवर्नमेंट ने और उसके लिए 30 स्क्वायर मीटर कार्पेट एरिया फॉर EWS एंड 60 स्क्वायर मीटर कार्पेट एरिया फॉर LIG, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी स्कीम को जो है रोल आउट कर दिया है। अब उस स्कीम के को फर्दर, ताकि ये इसमें और डेवलपर्स काम करें, तो उसके लिए ही ज़्यादातर बजट में जितने भी कंसेशंस दिए गए हैं वो सारे फोकस अफोर्डेबल हाउसिंग पे ही है। अगर आप 30 लाख रुपए तक का होम लोन लेते थे तो तकरीबन 10% ब्याज दर पर 28,000 की EMI देनी पड़ती थी, जिस पर टैक्स छूट 2 लाख रुपए की थी, पर नए नियमों के बाद ये बढ़कर 2.5 लाख रुपए कर दी गई है, जिसका फायदा 50,000 रुपए होगा, जिससे कि 30 लाख रुपए तक का घर लेने वालों के लिए राहत होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम 20 लाख रुपए तक का होम लोन लेते थे तो हमें तकरीबन 10% के हिसाब से 19,168 रुपए की EMI देनी होती थी, जिसका हमें सालाना ब्याज तकरीबन 2 लाख रुपए पड़ता है, जहां हमें टैक्स की छूट 2 लाख रुपए की मिलती थी। पर नए नियम के बाद टैक्स छूट बढ़कर 2.5 लाख हो गई है, जिससे हमें 20 लाख तक के मकान पर 30,000 रुपए तक का मुनाफा होगा। दूसरी तरफ अब इस बजट के तहत बिल्डर आपसे 3.9% की जगह 4% सर्विस टैक्स चार्ज करेंगे। बजट में वित्त मंत्री ने वेल्थ टैक्स हटाने की बात कही है, इससे एक से ज्यादा घर लेने वालों को जरूर राहत मिलेगी। अब तक दूसरा घर खरीदने पर वेल्थ टैक्स लगता रहा है। जानकारों की माने तो महंगे कर्ज और प्रॉपर्टी की ऊंची कीमतों की वजह से पहले ही खरीदार प्रॉपर्टी बाजार से नदारद है। अब देखना ये होगा कि इस बजट के बाद से रियल एस्टेट मार्केट में स्टेबिलिटी आती है या नहीं। रामेश नकवी, जी मीडिया।